हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ह्यूमन एंड आर्ट। और आज हम देखेंगे एक पोर्ट्रेट जो कि ब्लैक एंड वाइट फोटो से बनाया हुआ है। इस पूरे पोर्ट्रेट को आप देखिए कैसे आउटलाइन किया हुआ है, कैसे शेडिंग करना है, कैसे ब्लाइंडिंग करना है। सो गाइस, ये फोटो हमारी मम्मी जी का है। ये फोटो बहुत ही पुराना है और बहुत छोटा साइज का था, इसे मैंने बड़े साइज पर बनाया है। सो गाइस, आप भी देखो कैसे पोर्ट्रेट हम कम्प्लीट करेंगे और किस टेक्निक से इस पूरे पोर्ट्रेट को बनाएंगे। सो गाइस, वीडियो थोड़ा सा फास्ट है, आपको बस फोकस करना है मेरे हैंड पे, पेंसिल कैसे कहाँ पे चल रहा है और ब्लाइंडिंग कैसे कहाँ पे हो रहा है बस। सो गाइस, आप भी अपने किसी भी पोर्ट्रेट को बना सकते हो। इस पोर्ट्रेट को एंड तक देखो, तब आपको पूरा इस पोर्ट्रेट का डिटेलिंग समझ में आएगा। सो गाइस, एंड तक वीडियो जरूर देखिए। सो गाइस, अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स पर नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। जहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा वहाँ पर मैं और अच्छे से बता करके आपका डाउट क्लियर करूँगा। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो पोर्ट्रेट का सबसे मेन पार्ट होता है ऊपर का पार्ट। सबसे पहले हेड से स्टार्ट करते हैं, हेड बनाओ, उसके बाद फिर उसका हेयर बनाओ। हेयर पूरा कंप्लीट होने के बाद ही नीचे का पोर्शन पे पेंसिल वर्क करो। डिटेलिंग करना है आपको डिटेलिंग कर लो, उसके बाद ही फिर फेस वगैरह आई पे पेंसिल वर्क करोगे। पहले ऊपर जितना डार्क जितना लाइट करना है आपको, हेयर जैसा बनाना वैसा बनाओ, उसके बाद तब जाकर आपका ड्राइंग परफेक्ट होगा। पहले फेस पे क्या करो, आई बनाने के लिए आई के ऊपर वाले पार्ट पे पहले शेडिंग करते हैं, उसके बाद फिर आई के अंदर वाले पार्ट पे सेट करते हैं। और जितना डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन रहेगा उतना अच्छा आपका आई रियल लगेगा। सो गाइस, हेयर पे हमारा वर्क अभी पेंडिंग है, अभी पहले फेस पे कर लेते हैं, उसके बाद फिर हेयर पे डिटेलिंग बाद में करेंगे। आप देखोगे और डार्क हेयर पे जाएगा। तो चलो अब वीडियो ध्यान से देखो पूरा।